ठीक है, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहते हैं, जोसेफ गॉस फ्रॉम वन एंड ए टू बी स्ट्रेट 300 मीटर रोड। ये ए यहाँ पर है, ए और बी, ए से बी तक कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 300 मीटर लंबा रोड है। कितनी देर में जा रहा है वो, 2 मिनट्स में। इसका मतलब 2 मिनट्स इज इक्वल्स टू आपका 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, दैट मीन्स 120 सेकेंड। ठीक है, आगे एंड 30 सेकेंड, मतलब दैट मीन्स टोटल 150 सेकेंड में कवर कर रहा है वो कितनी डिस्टेंस, 300 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है एवरेज स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है आपकी 300, टाइम है आपका 150, 150 × 300, ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक, और वो भी कितना है, 300, अगेन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ए से सी तक के लिए आपको निकालना है। ए से सी तक के लिए देखिए कितना है, वो कह रहा है फॉर मोशन ए टू सी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये वापस आता है सी पॉइंट तक, यहाँ तक आ जाता है, कोई पॉइंट सी है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 100। तो अब जब आप निकालेंगे इस केस में एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 400, टाइम कितना हो गया, और उसका टाइम कितना लगा, 1 मिनट और लगता है, 150 सेकेंड पहले था, 60 और ऐड कर दीजिए, 210 सेकेंड। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए अगेन, एवरेज स्पीड होगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ गई, वेलोसिटी आ गई आपकी, स्पीड आ गई 1.90। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 300 में से 100 माइनस करेंगे, 200 डिवाइड्स बाय 210 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू आपको दे रखा है 0 इनिशियल वेलोसिटी ऑन अ लेक, एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन एट अ रेट, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 8 सेकेंड टाइम दे रखा है आपको, 8 सेकेंड निकालना क्या है, हाउ फार, मतलब डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो आपने पढ़ा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो u है आपका 0, तो ये टर्म तो हो गई 0, प्लस 1/2 a आपको गिवन है कितना, 3। ठीक है, टाइम दे रखा है आपको 8 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, जब इसे आप सॉल्व करेंगे आप, s इज इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा आपका 96 मीटर। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स, सॉरी फाइव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम सिक्स की बात कर रहे हैं, शो दैट द डिस्टेंस टाइम, आपको ग्राफ दे रखा है, देखिए ए ग्राफ, बी ग्राफ, सी ग्राफ, जूम करके हम इसे देखते हैं थोड़ा सा ताकि चीज़ें क्लियर हों। देखिए ये आपको गिवन है, इसमें आपसे सबसे पहले ये पूछा है कि ए बी और सी में से कौन सा आपका क्या है फास्टेस्ट ट्रैवल कर रहा है। तो देखिए सी वाला, सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि दोनों में ही एक डिवीज़न कितने का है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर चलिए आप, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब आपके 4 तक कितने डिवीज़न है, तो इसका मतलब लगभग आपका 0.5 का एक डिवीज़न होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये एक स्क्वायर है छोटा एक्स वाई एक्सिस पर, ये है आपका 0.5 किलोमीटर का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखिए आप नीचे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 0.4 डिवाइड बाय कितना है, 5। ठीक है, यहाँ भी आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत इतनी पड़ेगी नहीं, इसलिए मैं उसे बता नहीं रही हूँ। सबसे पहली चीज़ हमसे वो पूछ रहा है, ठीक है, कि ए बी और सी में से सबसे फास्टेस्ट कौन होगा। तो ऑब्वियस है भाई, जो कम टाइम में ज़्यादा स्पीड ट्रैवल करेगा, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए ए को, ए सी को देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है सी, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ए,
यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है बी। तो देखिए बी जो है लगभग 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, लगभग 1.5 के आसपास ये ट्रैवल कर रहा है। कितनी डिस्टेंस, यहाँ से अगर हम काउंट करें ये वाला पॉइंट, लगभग 12 ही ले लिया चलो हमने, ठीक है 12 किलोमीटर कवर कर रहा है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऑब्वियस है कौन सा फास्ट चलेगा, बी वाला फास्ट होगा, पहला आंसर हमारा आया। अब वो कह रहा है जब, देखिए इसका जो आगे पूछ रहा है, आगे क्या कह रहा है, वो बोल रहा है आर ऑल द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या सेम पॉइंट पर रोड पर थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, भाई सेम पॉइंट पर तो नहीं है तीनों, ठीक है। थर्ड पे क्या कह रहा है वो, हाउ फार सी हैज सी ट्रैवल व्हेन बी पासेस, जब ए बी को पास करती है तो सी कहाँ तक पहुँचा, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा ग्राफ में। जब ए बी को पास करती है तो देखिए ज़रा, ए ये है आपका, बी ये है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। देखो मैं इसे दिखाने के लिए कलर चेंज कर दूंगी, ये है हमारा बी, ठीक है, और ये है हमारा ए, कह रहा है जब ए बी को क्रॉस करती है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पर दोनों ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। कह रहे हैं जब बी ए को क्रॉस करती है तो उस टाइम पर सी कहाँ तक पहुँचती है, तो देखो सी कहाँ तक पहुँच रही है इस पॉइंट पर, देखो एट ये है तो ये वाला होगा, यहाँ पहुँच रही है ये, लगभग कहाँ पहुँच रही है, 8.5, 9, तो ये वाले डिस्टेंस कितनी है 9, ये पॉइंट आ गया आपका 9। तो हम कहेंगे व्हेन ए पासिस टू बी देन सी एट कितनी होगी 9 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर कि सी कहाँ पर होगा 9 किलोमीटर पर पहुँच रहा होगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में इसके क्या पूछा है हमसे, इसके थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है, सॉरी फोर्थ पार्ट में, सी हैज़ हाउ फार बी ट्रैवल बाय द टाइम इट पासिस सी, कि जब बी जो है वो सी को पास करता है तो बी कितनी दूर पहुंचा था, ठीक है, जब बी सी को पास कर रहा है तो अब देखिए बी कहाँ पास कर रहा है सी को, तो मैं चेंज कर देती हूँ उसे, देखिए ये सी है हमारा, सबको दिख रहा है, दिस इज सी। अब कह रहे हैं जब बी सी को पास करता है तो इस पॉइंट पे पास कर रहा है, दिख रहा है आपको, तो पूछ रहा है बी कितनी दूरी पर पहुंचा, तो देखिए बी कहाँ पहुंचा भाई, 4.5, 5, और इस वाले पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट कितना है बच्चों आपका, ये आपका 5.5 किलोमीटर, क्योंकि एक पॉइंट हमारा कितना है 0.5 का है, एक छोटा सा स्क्वायर जो है 0.5 का है, तो 4 से जब हम काउंट करेंगे तो 4.5, 5 और 5.5, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर आ गया आपका डी का 5.5 किलोमीटर पर, और इसका आ गया आपका 9 किलोमीटर पर, ठीक है, आई होप क्लियर होगा सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, एक बॉल है जो 20 मीटर से छोड़ी जाती है, ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, मतलब ऐसे ऐसे समझो, एक बॉल है यहाँ से छोड़ी जाती है, तो जिस टाइम मेरे हाथ में होगी बॉल तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जब उसे कितनी हाइट से फेंका जा रहा है तो इसका मतलब जो हाइट है मेरी, डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। कह रहा है वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, एक्सेलेरेशन कितना दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही है तो ये किसके बराबर होगा, जी के ही बराबर होगा, एक्सेलेरेशन दे रखा है,
व्हाट वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को टकराएगी तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो कौन सी इक्वेशन लगानी है आपको, एस इज इक्वल्स टू, बल्कि आप थर्ड इक्वेशन लगाइए, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, वी स्क्वायर, वी निकालना है हमें, ज़ीरो प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई टेन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी, तो वी कितना आ गया, अंडर रूट 400। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, तो कितना आ गया आपका ये भाई, 100 मल्टीप्लाइड बाई फोर, तो 100 का बाहर आ गया 10, ये आ गया आपका कितना 20, मतलब वी आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, पूछ रहा है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड में कार कितने दूर जाएगी। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट प्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ड्यूरिंग पीरियड, कौन सा पार्ट वो होगा जो यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले बच्चों आपको मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, यहाँ होगी आपकी वेलोसिटी या स्पीड, और यहाँ होगा आपका टाइम, और ग्राफ क्या आएगा हमारा, एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, चलिए करना स्टार्ट करते हैं इसको, हम थोड़ा सा इसे देखो क्लियरली आपको दिखाई दे। सबसे पहले 4 सेकेंड में मेरे से पूछा है, तो आपको दिख रहा है 4 सेकेंड कहाँ है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी 4 सेकेंड को, इसका मतलब कौन सा एरिया है शेड करना है आपको, ये वाला एरिया, कॉपी में आपको यही वाला एरिया शेड करके दिखाई देना है। ठीक है, ये वाला एरिया। अब देखो बच्चों, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, हम स्लोप निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन तब अगर ये एक पर्टिकुलर शेप बन रही होती, ना ही ये रेक्टेंगल है ना ही ये ट्राइंगल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे स्क्वायर्स, इन छोटे से स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो, एक स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि एक छोटा सा बॉक्स कितना है। तो देखो, स्क्वायर क्या है, ये आपका लगभग रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि दोनों जगह ऊपर डिस्टेंस बराबर नहीं है। देखो, एक्स एक्सिस पर देखिए, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो 2 डिवीज़न किसने हैं, 5, लगभग कितना आ गया, 0.4 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ देखो ऊपर कितने हैं, 1, 2, 3, ठीक है, तो 1 डिवीज़न कितना का हो गया, 2/3। तो हम इसकी निकाल लेंगे, इसके लिए जब आप निकालेंगे तो एरिया कितना होता है, एक बॉक्स के लिए निकाल रहे हैं, 4, 4, 1 बॉक्स, ठीक है, एरिया ऑफ वन बॉक्स हो गया आपका 0.4, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है छोटा सा, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.3, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा आपका 0.27 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.27 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपने एक छोटे से बॉक्स का निकाल लिया, कहाँ तक निकालना है हमें, यहाँ तक निकालना है, जो आपको 4 सेकेंड दिखाई दे रहा है, तो इस वाले एरिया में जब आप काउंट करेंगे कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं, तो आप देखेंगे 63 स्क्वायर बन रहे हैं, देन फाइनल एरिया आ जाएगा आपका 63 मल्टीप्लाइड बाय 0.27, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा आपका 17 मीटर। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका, निकालना क्या था हमें, अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ मीटर लिखेंगे ना खाली हम, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये हमारे बॉक्स का एरिया निकाल रहे हैं, स्पीड टाइम निकाल रहे हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड आ जाएगा जो हमें एरिया देगा, और टोटल कितना आ गया, डिस्टेंस आपकी 17 मीटर आ जाएगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आंसर आपका 17 मीटर। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में देखिए, मार्क कर लेते हैं हम,
यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यहाँ से जहाँ तक स्लोप नहीं चेंज हुआ, सॉरी ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, ठीक है, ये वाला स्ट्रेट लाइन बल्कि यहाँ तक ए बी ऐसे मार्क कर देंगे। ए बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन को। तो ए बी रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए बी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे, बस 9 सिंपल है, यू कैन डू योरसेल्फ। 10 देखो जल्दी से, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इस तरह से, ठीक है, जो मूव करेगी एक सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यहाँ कहीं सैटेलाइट होगी आपकी, ये ऐसे कोई सैटेलाइट है, ये कोई सैटेलाइट है जो मूव कर रही है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस दे रखी है, अगर ये सेंटर है तो इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है हमें 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड 24 आवर्स अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड टाइम कितना लेता है 24 आवर्स, ठीक है। आपको निकालना क्या है भाई, रेडियस दे रखी है 24 आवर्स में कितना होता है स्पीड, होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं आपको बता चुकी हूँ सर्कुलर ऑर्बिट है तो डिस्टेंस होगी 2πr अपॉन टाइम दे रखा है आपको 24 आवर, आर आप रख देंगे 42250, 2π, पाई की वैल्यू आपको पता ही है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर कर देती हूँ यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 42250 एंड अपॉन 24 आवर्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल जितना वो पूछ रहा है स्पीड निकल कर आ जाएगा। और 24 आवर्स को अगर आप सेकंड में चेंज कर दें, कि आंसर बच्चों डिपेंड आप पर करता है, आप किलोमीटर पर आवर में भी आंसर निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने जो आपको बताया यहाँ आंसर आएगा आपका किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसे किलोमीटर पर आवर में ही निकाल लेना, थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा, ओके। तो हमारा ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हुआ, आई होप अब आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट कुछ नहीं होगा। सो अब टेस्ट के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, ऑल द बेस्ट।